मैं आप लोगों से एक सवाल करना चाहता हूं। जब इंडिया के अंदर रात के समय में अंतिम संस्कार किया जाने लगे तो सोचिए इस वक्त डेड बॉडीज का क्या हाल हो रहा हो। जहां इंडिया में 1 अप्रैल से अब तक 1,20,000 कोविड से मौतें हो चुकी हैं और 12 मिलियन लोग संक्रमित हो चुके हैं, वहीं अब इंडिया की सबसे बड़ी और सबसे लंबी नदी गंगा रिवर में डेड बॉडीज पाई जा रही है। कोविड से होने वाली मौतों का अंतिम संस्कार करने के लिए लोग पैसे नहीं जुटा पा रहे हैं। इसके चलते एक बैंड रिचुअल, जिसको पहले बैन कर दिया गया था, जिसके अंदर बहुत साल पहले लोग डेड बॉडीज को गंगा रिवर में बहा देते थे, उनका अंतिम संस्कार कर देते थे, अब वो रिचुअल दोबारा से जन्म लेता जा रहा है। कुछ अधजली हुई, कुछ जली हुई डेड बॉडीज गंगा नदी में पाई जा रही है, क्योंकि लोग उनका अंतिम संस्कार करने से पहले ही उन्हें गंगा नदी में छोड़ दे रहे हैं। इंडिया में जहां अधिकतर अंतिम संस्कार खुले में लकड़ियों के ऊपर किए जाते हैं, वहीं अब ऐसी सिचुएशन हो गई है कि डेड बॉडीज इतनी बड़ी मात्रा में बढ़ती जा रही हैं, शमशानों में इतनी लाशें आती जा रही हैं, जिसको लेकर अब प्रॉब्लम्स भी बढ़ती जा रही है। लकड़ियों के दाम आसमान छू रहे हैं। जहां पहले एक शव का अंतिम संस्कार करने के लिए 500 रुपए लगते थे, वहीं अब 1500 से 2000 हो गए हैं, और अंतिम संस्कार के पूरे प्रोसेस में 10,000 रुपए तक का खर्चा आ जाता है। जहां लोग अपनी हॉस्पिटल की फीस नहीं दे पा रहे हैं, ऑक्सीजन के लिए पैसे नहीं जुटा पा रहे हैं, दवाइयों के लिए पैसे नहीं जुटा पा रहे हैं, वहां वो इस चीज के लिए पैसे कहां से जुटाएंगे। और इसी के चलते लोग हताश होकर डेड बॉडीज को गंगा नदी में छोड़ रहे हैं। वहीं एक परिवार की 65 वर्षीय महिला, जिसका नाम था बिमला देवी, उनकी बॉडी भी गंगा रिवर में पाई गई, और उनके रिश्तेदार राकेश सिंह का कहना है कि इसके कई कारण हैं। पहला कारण ये कि लकड़ियों के जो दाम हैं वो आसमान छू रहे हैं, जिसकी वजह से वो उनका अंतिम संस्कार नहीं कर पाए, और दूसरा ये कि उस बॉडी को परिवार वालों से दूर भी रखना था, क्योंकि ये जो कोरोना की महामारी है कहीं ये उन तक ना पहुंच जाए। राकेश सिंह का कहना है कि 15 दिन पहले वहां के एक लोकल रेजिडेंट की बॉडी मिट्टी में दबी हुई पाई गई, जब बारिश आई और ढह गई तो वहां के कुत्ते ने उनकी बॉडी खोद खोद के निकाली। उनका कहना है कि मैं देख रहा हूं कि अब लोग डेड बॉडीज को दफनाने भी लगे हैं, क्योंकि वो अब उनका अंतिम संस्कार नहीं कर पा रहे। आपको बताएं कि इंडिया की जो गंगा रिवर है वो वर्ल्ड की पॉल्यूटेड रिवर्स में से एक है, और वहीं इंडिया में इसको पवित्र भी माना जाता है, जिसको लेकर इंडिया की कोर्ट ने इसको 2017 में एक लिविंग पर्सन का स्टेटस दिया था। वहीं नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने जो गंगा क्लीन प्रोजेक्ट चलाया है, ये अभी तक का सबसे महंगा प्रोजेक्ट है, क्योंकि इसमें अभी तक $3.9 बिलियन की कॉस्ट आ चुकी है। और ऐसे समय में इन बॉडीज का गंगा नदी में पाया जाना, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। ये चारों तरफ से जो लाशें बहकर आ रही हैं, इसका जवाबदेह कौन है? इसकी जिम्मेदारी किसकी है? ये लाशें कहां से आ रही हैं, इसको लेकर यूपी और बिहार में ब्लेम गेम चल रहा है। और वहीं कांग्रेस ने यूपी सरकार पर ये आरोप लगाया कि वो कोरोना से होने वाली जो मौतें हैं उनका आंकड़ा छुपा रही है। कांग्रेस ने कहा कि 7,890 डेथ सर्टिफिकेट जारी किए गए, जबकि 15 फरवरी से 31 मार्च तक 5,970 डेथ सर्टिफिकेट जारी किए गए थे। यानी कि 1 अप्रैल से 15 मई तक डेथ के काउंट लखनऊ में 2,000 तक बढ़ गए, लेकिन जो योगी सरकार है वो इन डेथ्स को कोरोना के अंदर आने वाली डेथ्स मान ही नहीं रही है। वहीं योगी सरकार का कहना है कि यूपी में बेड्स, ऑक्सीजन और दवाइयों की बिल्कुल भी कमी नहीं है। और वहीं जो अनुराधा मिश्रा है, जो यूपी की लेजिस्लेटिव असेंबली की मेंबर है, उनका कहना है कि यूपी गवर्नमेंट इज वर्किंग ऑन 3 Ds, डिनाइल ऑफ फैक्ट्स, डिस्ट्रक्शन ऑफ एविडेंस एंड डाटा मैनिपुलेशन। उनका कहना है कि कोरोना से ध्यान हटाकर यूपी गवर्नमेंट फैक्ट्स को छुपाने और उनको मैनिपुलेट करने में लगी हुई। वही कुछ समय पहले नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा अथॉरिटीज ने कहा कि ये जो डेड बॉडीज गंगा नदी में पाई जा रही हैं, ये कोरोना प्रोटोकॉल के खिलाफ है, और साथ ही आसपास वाली कम्युनिटी के लिए ये बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है। और साथ ही ये भी कहा कि गंगा इज ऑल्सो होम फॉर सी लाइफ, जहां मछलियां और क्रोकोडाइल पहले से ही गंगा रिवर में एक्सटिंक्ट हो रहे हैं, वहीं ऐसे टाइम पर डेड बॉडीज का पाया जाना उनके लिए भी खतरे से खाली नहीं होगा। अगर सरकार अपना पूरा ध्यान पीआर और एडवर्टाइजिंग से हटाकर इन सिचुएशन पे लगाए तो हालात ठीक हो सकते हैं। अब इस सिचुएशन में गवर्नमेंट क्या स्टेप उठाएगी, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन वो कहते हैं ना कि मौत के नाम से सुकून मिलने लगा, जिंदगी ने खूब सताया हमको। पर अब तो ऐसा भी नहीं हो रहा है, जिंदगी तो सताई रही है लेकिन मरने के बाद भी लोगों को सुकून नहीं मिल रहा है। इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को खत्म करता हूं और आपसे कहता हूं कि देखते रहें ग्लोबल नाउ 24/7। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही दिए गए बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि जब भी हमारी कोई नई वीडियो आए तो सबसे पहले आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। मैं तुषार अब आपसे इजाजत चाहता हूं।